नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बुधवार को बाबा मुक्तेश्वरनाथ मुक्ति धाम अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, प्रवर्तन दल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, मुख्य खाद्य एवं सफाई निरीक्षक तथा अवर अभियंता मौजूद रहे। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अंत्येष्टि स्थल का गहन निरीक्षण करते हुए पंजीकरण आदि की व्यवस्थाओं को देखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ संपूर्ण अंत्येष्टि स्थल एवं आसपास विधिवत सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। गौरतलब है कि बार बार यह शिकायत मिलती रहती है कि अंत्येष्टि स्थल पर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किए जाने हेतु पैसे की मांग की जाती है। तो ज्ञात हुआ कि दाह संस्कार हेतु पैसा लिए जाने के मामले में जो लोग पकड़े गए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा कोविड-19 मृतकों के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हेतु लकड़ी सहित समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील किया है कि कोविड-19 के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि नगर निगम द्वारा निर्मित अंत्येष्टि स्थल पर ही करें और नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सभी सेवाओं को निःशुल्क प्राप्त करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा जी कि अंत्येष्टि स्थल में हम आज अपनी पूरी टीम को लेकर कल रात भी हम वहाँ गए थे, आज सुबह भी हम वहाँ गए थे और वहाँ पर पहला तो पूरा व्यापक तौर पर सैनिटाइजेशन और विशेष सफाई अभियान आज चलाया गया था। इसके साथ साथ देखने में ये भी आ रहा था कि रात में कल 12 बजे के बाद एक दो दिन से कुछ कोविड से डेथ हुई हैं, उनके शव आए थे तो उनके जो उनको उनके अंतिम दाह संस्कार में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और व्यवस्थाएं जैसे दिन में पूरी बनी हुई हैं उसी प्रकार रात्रि में भी सुचारू रूप से चलती रहें। कहने का अर्थ ये है कि इमरजेंसी की परिस्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियों में भी हमारी व्यवस्था लड़खड़ाए ना। हम इसके लिए वहाँ पर जाके निरीक्षण किया और कुछ जो शिकायतें आ रही हैं कि जब 12 बजे 1 बजे रात में जब हमारे लोग चले जाते हैं या कहीं इधर उधर हो गए तो निचले साइड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस विपदा की घड़ी को भी अवसर में बदलने की तलाश में लगे हुए रहते हैं, वो लकड़ी के दामों में बढ़ोतरी कर देते हैं। ये नीचे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अंतिम दाह संस्कार के समय में अपना सहयोग प्रदान करने के नाम पे उनसे धनराशि की मांग करते हैं, जबकि आपको और सबको इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्ट बता दें विशेष आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, लगाया है, कुछ लोगों को रिजर्व में भी रखा है जिससे कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। इसके साथ साथ जो वहाँ ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने लोगों से अनुरोध किया कि वहाँ ना खड़े रहें या फिर जो हमारे कुछ लोग ऊपर भी चले जाते हैं जहाँ पर उनको नहीं जिस सेफ जोन के बाहर आगे नहीं जाना चाहिए उनके लिए भी हमने वहाँ पर प्ले कार्ड और वो लगवाया है, बैनर लगा दिए हैं जिससे कि मतलब वो भी संक्रमण की जद में ना आए। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं और सारी व्यवस्था इस प्रकार से फुल प्रूफ बनाई जा रही है किसी प्रकार से कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए।